अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियां। क्या हुआ नूर भाई, परेशान दिख रहे? अरे मियां, आजकल मैं दुनिया में देख रहा हूँ, तकरीबन लोग आज झूठ बोल रहे, हर छोटी बड़ी बात पर झूठ बोल रहे, गैर जरूरी के झूठ बोल रहे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मियां। फिर क्या करते भाई तुम? आज मैं एक ऐसा फार्मूला बनाऊंगा जिससे जो भी झूठ बोलेगा उन्हें पकड़े जाएंगे। ऐसा फार्मूला बनाऊंगा मैं। कैसा नूर भाई? ऐसा। अरे मियां, ये है वो फॉर्मूला जिसको मैं बनाना चाह रहा था। ये फॉर्मूले का नाम है सच का स्प्रे। ये फॉर्मूला किसके भी मुंह पे मारे तो ने सही बोलना शुरू कर देता, समझ रहा? क्या बात है नूर भाई, क्या बात है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, कोई प्लेन बना, कोई ट्रेन बना, कोई कश्तियां बना दिया, लेकिन तुम्हारे जैसा फॉर्मूला आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं बना नूर भाई। क्या काम कर दिया नूर भाई, ये फॉर्मूला हर किसी की जरूरत है नूर भाई। कितने लोगों के मसले हल हो जाएंगे फॉर्मूले से। जबरदस्त फॉर्मूला बनाए नूर भाई, यू आर द बेस्ट नूर भाई, यू आर द बेस्ट। आखिरी जबरदस्त कैसा है रे फॉर्मूला मेरा? क्या फॉर्मूला बनाया भाई नूर। अगर ये फॉर्मूला मेरे हाथ को घट गया ना, घटते की शिरीन, नौशीन, जबीन, आफरीन, फरीन के ऊपर सबके ऊपर मार के देख लेता हूँ कौन सी बच्ची मेरे से सच्ची मोहब्बत करती और कौन नहीं करती। लेकिन ये फॉर्मूला मिलना ना नूर के पास से, मैं तो बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला मेरे को मिल जाना, मिलते की नूर के ऊपर मार के देख लेता हूँ इन्हें कितना झूठ बोलता, कितना पानी में है सो। ऐसा सोचता तू मेरे बारे में? माफी चाहता हूँ नूर भाई। खैर ते वो केमिकल डाल के जला दे। अरे लगो नूर भाई माफी चाहता हूँ नूर भाई, माफ कर दो नूर भाई, माफी चाहता हूँ नूर भाई। लास्ट चांस, ठीक है नूर भाई। चल अब बाहर जाके ये फार्मूला दुनिया वालों के ऊपर मार के देखेंगे, हो भाई कितना झूठ बोलता देखेंगे। हो भाई चल चल, नहीं चलो नूर भाई, चलिए चलिए नूर भाई। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रोज हर्बल हेयर ऑयल के बारे में, जो कि 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, जो मदद करता है आपके बालों को काले, घने और मजबूत होने में। और ये है रोज हर्बल का एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल, जो कि हेल्प करता है आपके बालों को डैंड्रफ फ्री रखने में। 100 ml बॉटल का प्राइस है सिर्फ 300 rupees और 250 ml बॉटल का प्राइस है सिर्फ 600 rupees। आप इसको बाय कर सकते हैं शॉप नंबर 1 ऑपोजिट डेक्कन प्लाजा, हकीम पेट रोड, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद। और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, यहाँ सारे कॉन्टेक्ट डिटेल है। रोज हर्बल हेयर ऑयल और रोज हर्बल एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल 100% नेचुरल। कुकर वाले भैया कैसा दे रहे कुकर? 600 बोला। कितने लीटर का है ये? 12 का है, ये 3 का है, ये 7.5 का है। भैया बहुत महंगा दिख रहा ना भैया, क्वालिटी भी उतनी खास नहीं दिख रही। जो भी है देखो यही छे। 400 में दे दो भैया। खरीदी नहीं है जी, 400 में कहाँ से देते है? 450 में नहीं आता? 550 में भी नहीं आता। अरे जल्दी बोलो, माल ले रहे नहीं ले रहे, दूसरे भी ग्राहक खराब होते, जल्दी बोलो, जा रहा हूँ मैं। कम करो ना भैया। नहीं आता अम्मा। अरे लास्ट कितने में आता फिर? देखो माँ जल्दी देखो। कैसा दे रहा मियां? 600 बोला। किसको बोला? आपको बोला भाई। मैं क्या पहले पूछ के गया 600 बोला बोला, अब भी पूछा ना रे, 600 में है बोल के बोल, कितने में है? 600 में आता भाई। देने का क्या है?
600 में है भाई, लास्ट 580 रुपए में आता। देने का बोल। लास्ट वही है भाई 580। खरीदी कितने की है तेरी? खरीदी 540 की है। निकाल फार्मूला। खरीदी कितने की है? 280 रुपए की है भाई। 400 में भी बेचे तो 120 रुपए बचते भाई, लेकिन मैं ज्यादा फायदा होना बोल के 580 रुपए में बेच रहा हूँ। तब तक ये गलियां गलियां वाले थे बैठू, ज्यादा मुनाफा कमा के दो चार घरा खरीद के किराए पे दे तो देखो, उसके बाद सुकून से बैठ के किराए खाते देखो। लेकिन ऐसे बिछाने किराए का मिले तो कहाँ से होता? ये मोटी को देखो, जब से 100 रुपए के आज से कौं कौं कर रही। देखा मेरे स्प्रे का कमाल, एक सेकंड में सच्चाई बाहर आ गई। जबरदस्त मजा आया भाई, आखिरी मजा आ गया। मजा तो अभी आगे आगेगा। चल निकल, दिखना नहीं बेटा आप गली में, निकल चल। बहुत परेशान लगता है बच्चा। सही बोले पापा, बहुत परेशान हूँ, आपको कैसा मालूम? बाबा सब जानता है, दिलों का हाल जानता है, तेरी हर बला परेशानी को दूर करेगा, तेरे हर मर्ज को दूर करेगा। तू एक काम कर, ये भीमपक्षा बाबा का चमत्कारी तावीज अपने गले में डाल ले, डाल ले, डाल मेरा। बाबा इसका हदिया क्या है? बाबा जो तेरे जेब में हो निकाल दे और बाबा की झोली में डाल दे। बाबा बाबा ले लो, ये पूरे पैसे ले लो बाबा। डाल मेरे बच्चे, डाल दे, और क्या है जेबों में? बाबा सेलफोन है बाबा। फोन भी इसमें डाल दे मेरा बच्चा, ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे बच्चा। इधर आ, इधर आ। मस्तक की रेखाएं बताती है शादी के 2 साल तक तू बहुत परेशान रहेगा मेरा बच्चा। बीवी मारेगा, काटेगा, जुल्म करेगा, सताएगा, और तू 2 साल तक बहुत परेशान रहेगा मेरा बच्चा। बाबा फिर 2 साल के बाद? बाबा 2 साल के बाद तुझे आदत हो जाएगा मेरा बच्चा। चले जा, जा यहाँ, निकल जा फौरी, चले जा। जब बीवी के जुल्म से बाबा नहीं बच सका तो तू कहाँ से बच सकेगा मेरे बच्चे? चलिए आइए, ये विपक्ष बाबा का चमत्कारी तावीज है, कोई भी मर्द होगा अच्छा हो जाएगा, बूढ़ा जवान और जवान बच्चा हो जाएगा, कितना भी कर्ज होगा एक साथ में उतर जाएगा, बिगड़ा हुआ औलाद एक रात में सुधर जाएगा, हर परेशानी का हाल बताता है, रात को नींद नहीं आता है, दिन का चैन चला जाता है, कारोबार में दिल नहीं लगता है, बगैर कुछ किए आदमी थकता है। एक बार ये भीमपक्षा बाबा का चमत्कारी तावीज लगाएगा, हर मसला हल हो जाएगा, पैसा आएगा, दौलत आएगा, दोनों हाथों से लुटाएगा, तू नोटों में नहाएगा, आज रोड का पति कर करोड़पति बन जाएगा, गम परेशानी जाएगा, सुकून और आराम आएगा, आज अगर बाबा चले गया तो किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, बाबा फिर लौट कर कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। ये पिंपक था बाबा का चमत्कारी ताबीज है। कल भी ऐसी बोल के गली में ताबीजा बेचा करते तू, आज फिर आई दिख रहा, किस्मत का दरवाजा बनी नहीं और एनी टाइम खुला दिख रहा। क्या कर रहा रे? हूँ क्या कर रहा? हूँ क्या कर रहा? क्या है ये? ये तावीज अपने गले में डाल ले बच्चा, आएगा करोड़ों रुपया और इसका दाम है सिर्फ 100 रुपया। अपने जेब में हाथ डाल, पैसे निकाल और बाबा की झोली में डाल दे मेरे बच्चा, निकाल निकाल। अभी निकाल रहा हूँ बाबा, अभी निकाल रहा हूँ बाबा, अभी निकाल रहा हूँ, निकाल रे, निकाल मेरे बच्चे। 2 ले लो, मेरे को भी 1 ले लो ना भाई। अरे वो लौंडे, वो निकाल दे रहा भाई, निकाल। हेलो भाई, डाल बच्चा, डाल मेरा बच्चा। बड़ा अमाउंट है बाबा, डाल दे वो बड़ा अमाउंट, ये झोले में डाल दे मेरा बच्चा। क्या करता ताबीज ये? क्या दीवाने बातें कर रहे बड़े भाई, ये ताबीजा क्या करेंगे जी? फिर तो अभी बोला ना रे, ताबीज पहने तो दौलत आती, पैसे आते, करोड़ों रुपए आते बोल के। अरे क्या हौले बातें कर रहे हो उस्ताद, अगर ये तावीज पहनने से कोई करोड़पति बन जाता तो मैं ऐसा गली गली 100 रुपए में बेच लेते नहीं फिरता था, मैं भी एक तावीज पहन लेके करोड़पति बन जाता। फिर यहाँ ठहर के लोगों को गुमराह कर रहा है, निकल। लोगों को गुमराह कर रहा भाई, पेट के वास्ते कर रहा हूँ भाई, पेट के वास्ते, पेट के वास्ते रे, पेट के वास्ते, पेट के वास्ते रे, पेट के वास्ते। आइंदा से याद रखना। हाँ।
क्या हूँ कर रहा रे, चल चल लौंडे। चलो नूर भाई सॉरी। तावीजा पकड़िए। अरे पार्क में कहीं को लेके आए भाई? अरे मियाँ जिंदगी के झूठ के शुरुआत के सबसे बड़े झूठे वादे और झूठे बाता आशिकियों के पार्कों से शुरू होते। जानू तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। फिर भी वहाँ देख। हाँ भाई एक कौला जोड़ा बैठे हुआ है कि राग दिख रहे दोनों। नियत खराब कर रहा लौंडे। नहीं भाई बोल रहा हूँ ऐसी। ये जान सा रोशन चेहरा काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली और ये काली काली आंखें गोरे गोरे गाल कितने रंग आते जाते हैं आपके दो रुखसारों पर। इतना हसीन चेहरा इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी बातें हैं बातों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ओह सो स्वीट। चल रहे होंगे बटेवाजी बाता। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जीवन की राहों में तेरी जरूरत ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी जीवन की। बेबी तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? सब कुछ। फिर भी बताओ ना। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी जीवन। आ वो चीज ड्रामा चल रहा सर का दिख रहा कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है इन दोनों का सीन। अब जाके इन दोनों के सीन का दी एंड करना पड़ता। चल चलो मेरा रेडी रख। मैं अपने तन मन और धन से तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपने तन मन और धन। हाँ हाँ धन 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 से भी स्वीकार करता हूँ। एक मिनट इनको तन मन और धन से स्वीकार करने से पहले इनका मन तो चेक कर लेना था। क्या मतलब? एक मिनट में इनके मन की बात इनके तन के जरिए बाहर आ जा मेरा मतलब है इनके टंग के जरिए बाहर आ जाते। देर क्यों आपको इनमें क्या अच्छा लगता? कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। चांद सा रोशन चेहरा है सूरज सा जलता चेहरा है ठंडा तो हमेशा 24 घंटे यूं हप रहता एकदम और आंखा तो यूं टुन रहते एकदम गांजे का कश्मार गया जैसा। ये जुल्फा बोलते इसको भैंस की दुम तो भी अच्छी रहती इससे और ये रुखसारा है ये रुखसारा नहीं है इंजेक्शनों के मारा मार के तोप्पे लगाए सो है तोप्पे। एक गिलास जी खाली एक गिलास पानी अगर इसके मुंह पे मारे ना अब भी इसके अंदर से आदमी निकल के बाहर आ जाता। अरे थू झूठे मक्कार धोखे बाज कहीं के। कहीं के नहीं यहीं के। आइंदा से मेरे से मिलने की कोशिश करें या फिर मुझे फोन करें तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। एक मिनट। अरे क्या नूर भाई एक मिनट में पूरे चकले लगा दिया मेरे को। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको इनमें क्या अच्छा लगता? इसका पैसा इसकी दौलत महंगे महंगे गाड़ियां एक्सपेंसिव वॉचेस कपड़े लेविश लाइफस्टाइल। चलो पैसे वाला है समझ के इससे मोहब्बत करी मैं लेकिन बाद में मालूम हुआ सब दिखावे का था दूसरों से मंग मंग के लेके आता था इन्हें चिंदी साला। What's the matter with you? इसके चक्कर में मैंने मुन्ना पप्पू सोनू अड्डू एडी मॉडल मुज्जू सुपरस्टार फिरोज डैशिंग बॉय मलिक आउटस्टैंडिंग उबैद तक को छोड़ दी मैं।
अच्छा आईफोन तो भी दिलाते थे उन लोग मेरे को बर्थडे पे, लेकिन इन्हें मेरे को 5 रुपए के पार्क में लाके 5 रुपए की फल्ली खिला के 5-5 घंटे इधर बिठा रहा। ऊपर से अदाकारिया तो ऐसे बता रहा जैसे 5-स्टार होटल का मालिक हो। भिखारी कही के देख बेबी, वो ज्यादा बोल रही तू। अभी कुछ भी ज्यादा नहीं बोली मैं बब्बू। अपना काम हो गया, चल। ते बाता बोलती मेरे को। तुम क्या समझ रहे खुद को? भूल गए तुम रिचार्ज कराते तो हर महीना। देखा, इसके वास्ते बोलते झूठ पे कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। सालों की मोहब्बत एक सेकंड में दुश्मनी में बदल गई। अनूर भाई, तुम अच्छी खासी मोहब्बत में फूट डाल दिए। कई की मोहब्बत रे? मोहब्बत बोलते उसको, वो अलग मतलब की मोहब्बत थी। अरे मियाँ, मोहब्बत तो हमारे जमाने में होती थी। वो चेतकों पे गलियों में राना मारना, वो 4-4 घंटे बैठ के उनकी राहें ताकना, और वो उनका हल्लू पर्दे में से झांकना, और शर्मा के हल्लू भागना, और जुमेरात को जुमेरात पाशा भाई का चाकना। वो अलग ही मजा रहता था मियाँ। वो जमाने में क्या होता था? अबा लौंडे, झूठ बोलता समझ रहा मैं? हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं ये। चल, तेरे आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं है। कई को भाई, बैल है तू। मेरे को रिचार्ज नहीं करा, मैं च्युइंगम लाके दो बोले तो लाके नहीं दिया। क्या क्या नहीं करा? चोर साले, क्या चुरा के भाग रहा रे भाई? ठहरो। उल्लंघा तो ठहर गए रे, तू ठहर रहा? क्या बुरा था बोल भाइयों? जब तक इसका जुर्म साबित नहीं हो जाता, इन्हें मुजरिम नहीं मुलजिम है। अपन इसको नहीं मार सकते। सच्चाई का पता लगाए तक अपन इसको नहीं मार सकते। वो सब तो ठीक है, लेकिन सच्चाई का पता कैसा लगाते? नूर भाई के पास एक ऐसा स्प्रे है जिसको मारते कि आदमी सच बोलना शुरू कर देता। नूर भाई, कहाँ जाओ? स्प्रे मारो जी। अच्छा, मुझे बोलना रे, दे। हेलो भाई, हेलो भाई। भाई लको मारो भाई, भाई स्प्रे लको मारो। भाई सही बोल तू भाई, लको मारो स्प्रे, लको मारो भाई। बोल। आओ भाई, भाई ब्रेड चुरा भाई। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ भाई। मैं इज्जतदार घर का गरीब बच्चा हूँ भाई। मेरे घर वाले 4 दिन से भूखे हैं भाई। मैं बहुत मेहनती हूँ, मेरे को कहीं भी काम नहीं मिल रहा भाई। मैं कई लोगों के पास मदद के लिए हाथ फैलाया तो मुझे मदद नहीं मिली भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चों के खातिर मैं ब्रेड चुराया भाई। भाई ने फिर से झूठ बोल रहा, इसके फोड़े तक नहीं बदला था ने सही। रे छर्रे, तू कौन है रे? कहीं कुछ चल रहा? तेरा क्या चुरा है रे? ना कुछ भी नहीं चुरा भाई। फिर कहीं को फुदक रहा रे? चल निकल, चल। बेकरी वाले साहब कौन है? मैं हूँ भाई। खाली आप ठहरिए भाई, आप लोग का चल जाइए। आप लोग का अपने अपने काम करो भाई। चलो चल जाओ, चलिए। शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए भाई, भाई चल जाइए। आप भी डब्बे पे जाइए। मंशा के है ना आप? जाइए जाइए, चलिए मिलता हूँ शाम। अरे मियाँ, तुम्हारी परेशानी, मजबूरी, जरूरत, गुर्बत सब सही है, लेकिन चोरी करना गलत बात है ना मियाँ? लेकिन तुम जो सब सही सही बोल दिया ना, मेरे को वो अच्छा दिखा। इससे ये मालूम हो रहा कि इंसान चाहा तो सही बोल सकता। झूठ से क्या है भाई, वक्तिया तौर पे थोड़ा बहुत फायदा होता होगा, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नहीं है भाई। कितने पैसे हुए मियाँ ये ब्रेड के? कोई बात नहीं भाई, 50 रुपए की बात है, रहने दो। लेकिन आइंदा किसके भी साथ नको करो यार ऐसा। अरे यार, चोरी करने की क्या जरूरत थी यार? मेरे को बोले तो मैं देता था ना एक ब्रेड तुम्हारे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा से नहीं करता भाई। देखा मियाँ, सच बोलने का नतीजा, सच हमेशा नजात देता है, झूठ हमेशा हलाक करता है। आइंदा से एहतियात करो, काम कारोबार करो, मेहनत मजदूरी करो मियाँ। कहीं को ये काम आ कर रहे? ठहरो एक मिनट, ये रखो। काम कारोबार करो, मेहनत मजदूरी करो, इंशाल्लाह 2-3 दिन में काम मिल जाएगा तुम्हारे को। हमारी दुआ आपके साथ है। जाओ। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलो आप भी जाइए भाई, बेकरी पे लोग इंतजार कर रहे होंगे, गिराकर खड़े हुए होंगे, बेकरी पे जाइए। देखा मियाँ? हाँ भाई देखा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर हर इंसान सच बोलना शुरू कर दिया ना, तो ये लड़ाया, झगड़े, चोरी, चकारियां, दंगे, फसादा सब खत्म हो जाते। सही बोले भाई। सच बोलने वाले को दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। इसीलिए हमेशा झूठ से बचिए और हमेशा सच बोलिए। शब्बा खैर।